शहीद उधम सिंह के जन्मदिन पर आज इंदिरे के शहीद उधम सिंह चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंदिरे के विधायक राम कुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सभी धर्मों, राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों के सदस्यों तथा शहरवासियों ने भाग लेकर शहीद को नमन करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण की। इसके बाद हवन यज्ञ किया गया तथा लोक संपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा शहीद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर विधायक राम कुमार कश्यप ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम उस महान शहीद को याद कर रहे हैं, जिसने भरी जवानी में देश की आजादी की खातिर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीद उधम सिंह ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, इसके बावजूद भी उन्होंने अनेक कष्ट सहते हुए देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि शहीद उधम सिंह ने हमारे देश के लिए ऐसा काम किया है जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। हमारी नौजवान पीढ़ी को शहीदों के जीवन से सीख लेनी चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। आज हम सभी ने इंदिरी के जो है चौक पर जो शहीद उधम सिंह चौक पर जो है शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस के रूप में जो उनका जन्मदिन मनाया। शहीद उधम सिंह ऐसे महान नेता थे जिन्होंने एक बार जब जलियांवाला बाग में हमारे लोग जो हैं विसाखी के दिन अपना महोत्सव मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे, तो जनरल डायर ने वहाँ पर सोचा भी आज़ादी लेने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ मूवमेंट चला सकते हैं। उसको मूवमेंट को दबाने के लिए जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियाँ चला दी, चारों रास्ते बंद करा दिए, तो लोगों में भगदड़ मच गई, जिसमें हज़ारों व्यक्ति जो है निर्दोष नियते मारे गए। कुआं बताते हैं, कुआँ है वहाँ पर, तो कुएं में सारे वो भगदड़ में वो कुएं में गिर गए, सारा कुआं लाशों से भर गया। तो मैंने भी जलियांवाला बाग देखा, वहाँ पर भी जो गोलियों के निशान अभी भी वहाँ पर हैं। तो जब शहीद उधम सिंह ने देखा भी यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने हमारे साथ इतना अत्याचार किया है, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक बदला लेने की उनके दिल में मतलब एक प्रेरणा जाग उठी, देश के प्रति देशभक्ति जाग उठी। उन्होंने उसको बदला लेने के इंग्लैंड में गए, कई वर्षों रह करके उसने वहाँ पर माइकल को सारे आम नहीं मारा। तो उन्होंने एक जब जलसा वहाँ पर हो रहा था, उनकी एक प्रेरणा, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी भाई माइकल अडवायर को मैं ओपन नहीं मारूंगा उसको। जैसे उन्होंने हमारे आदमियों इकट्ठे एक समारोह के रूप में मारा है, तो मैं उस समारोह जब हो रहा था उस पर गोली चलाई और उसको मार दिया। तो देखिएगा, उन्होंने अपना जीवन जो है देश के लिए, देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए लगा दिया। तो आज हम ऐसे महान शहीद उधम सिंह का हमने जन्मदिन मनाया, सबने इकट्ठे होकर मनाया, सभी पार्टियों ने इकट्ठे होकर मनाया, सभी छत्तीस वर्ग के लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर मनाया। तो उनसे सभी प्रेरणा लेकर के हमें भी आज अपने राष्ट्र को, समाज को आगे बढ़ाने में अहम योगदान करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है सभी लोग जो है अपने राष्ट्र को, देश को हल्के को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।